तहरीक चलाई। आज 74 साल गुजरने के बाद न पश्तून को वो हकूक मिले, न बलोच को वो हकूक मिले, न सिंधी को वो हकूक मिले, न किसी इस खित्ते में रहने वाले मुसलमान को वो हकूक मिले, न किसी पाकिस्तानी को वो हकूक मिले। पर हम किसकी हकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे और किसके पास जाके रोएंगे कि मेरा हकूक दे, जिससे आप बीमारी का इलाज और तशखीस का मुतालबा करते हैं, जिस डॉक्टर और जिस लीडर और जिस ताकत के पास आप रो रो के अपनी बीमारियों का इलाज चाहते हैं, अपने हकूक चाहते हैं, उन्हीं की वजह से तुम बीमार हो, उन्हीं ने आपके हकूक गसब किए हैं, उन्होंने 74 साल से आपको गुलाम रखा है, आपकी आजादी को उन्होंने सर्व की है, आपकी बोलने पर पाबंदी है, आपकी आवाज पर पाबंदी है, आपकी तहरीर पर पाबंदी है, जमहूरियत पर पाबंदी है, सच्चाई और सदाकत पर पाबंदी है। यहां अगर आजादी है तो गुंडे को आजादी है, यहां अगर आजादी है तो झूठ बोलने की आजादी है, यहां अगर आजादी है तो जुल्म और बर्बरियत की आजादी है, यहां अगर आजादी है तो डिक्टेटरशिप और आमिरियत जुल्म और जबर की आजादी है। इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। एक जगह पे खड़े नहीं होना, आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का मकसद क्या है कि तुमने घर घर जाना होगा, फर्क फर्क के पास जाना होगा, कौन कौन गली गली रूट रूट किली किली में आपने जाना होगा कि इस्लामी तहजीब क्या है, इस्लामी अखदार क्या है, इस्लामी सकाफत क्या है। शाम को पैदा करना है तुमने, एक हयादार इंसान को पैदा करना है, एक बेहया और फहाश इंसान को पैदा नहीं करना, क्योंकि एक फहाश और अय्याश इंसान, बेहया इंसान पूरी घर, पूरी खानदान, पूरी मोहल्ले के लिए नासूर बन जाता है।